नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद इंडिया के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि खीरे की निराई गुड़ाई के बारे में। तो सिंचाई के बाद लगभग 5 से 6 दिन के अंतर से खेत में से घास व अन्य खरपतवार निकालना चाहिए तथा साथ साथ थिनिंग भी कर देना चाहिए। इस समय किसी थामरे में बीजों का अंकुरण नहीं हुआ हो तो अन्य थामरे से अधिक पौधों के होने पर खाली थामरे में पौधों या पौधा लगाना चाहिए तथा ध्यान रहे कि उसी समय पानी लगाना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप हमारी यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप हमारी यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।